अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। संतू मैं निकल जाए इस घर से। अरे इस घर में तुझे अपनी बेटी और तूने क्या किया? क्यों करवाई उसकी जमानत? उस औरत की जिसे तेरी बहन के बेटे को चुराया उसकी जमानत करवाई? इतना बड़ा तमाचा क्यों मारा मेरे मुंह पर तूने? मैंने मेघा से कहा कि उसकी जमानत उसी जैसे किसी बुरे इंसान ने करवाई होगी, पर मुझे क्या पता था कि वो मेरी ही अपनी बहन है। अरे क्यों किया तूने ऐसा? तू तो इस घर में रहने के लायक नहीं है, निकल जा यहाँ से बाहर। अब भूंगी को इस घर से निकाल क्यों रही है? वो तो इसे क्या किया इसने? क्यों क्या किया इसने? अरे इसने मेघा की जमानत करवाई है। बोल भूंगी क्यों किया तूने ऐसा? अब तो मुझे इसे अपनी बहन कहने में भी शर्म आती है। क्यों करवाई जमानत बताना भूंगी। मुझे ब्लैकमेल किया, मुझे धमकी दी। कैसी धमकी? उठ, कैसी धमकी दे रही थी बताना? कितने इतना बड़ा अपराध कर दिया बताना, क्या धमकी थी? यही कि क्या मोगी प्रेग्नेंट है। तो बिरवा हाँ माँ मैं सच बोल रही हूँ, हम डॉक्टर के पास भी गए हैं। इस बच्चे का पिता कौन है? सारंग आज के बाद उसका नाम भी मत लेना तुम्हारे मुंह से। उसने खेल खेला है मेरे साथ और तुम्हारे साथ, हम दोनों की जिंदगी उसने खराब कर दी। लेकिन मोंगी मुझे तुम पर गुस्सा आ रहा है। मेघा तुम्हें ब्लैकमेल करिए ये बात तुमने मुझे बताई क्यों नहीं? मैं बहुत डर गई थी, बहुत बड़ी दुविधा में थी मैं। मुझे पता नहीं था कि मैं आपको बोलूं भी या नहीं। उसने मुझसे कहा कि अगर मैंने ये बात किसी को भी बताई तो वो गांव में सबको बता दे कि मैं मां बनने वाली हूँ। एक मिनट, ये बात मेघा को कैसे पता चली? संतुमा आप? संतुमा? संतु मैंना? संतुमा? मुंगी वेरी गुड विशा, दैट्स लाइक माई बेबी। उस घर में जो कुछ भी हो रहा है ना ऐसे ही मुझे बताते रहना। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। अगर उस दिन तुमने बिरवा और मूंगी की बातें ना सुनी होती। हम कल ही डॉक्टर के पास जाएंगे और शगुन के बाद तुम्हारा ऑपरेशन करवा देंगे। और अगर वो बातें मुझे ना बताई होती तो आज मैं जेल के बाहर नहीं होती। मम्मा, उन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है ना, इसलिए मैं ये सब कुछ खाली आपके लिए कर रहा हूँ। मुझे आपके पास रहना है, प्लीज मुझे वहां से निकालो ना। बस बेटा कुछ दिन और, उसके बाद हम दोनों साथ रहेंगे। अब मुझे एक एक कदम बहुत सोच समझ कर उठाना है। तुम जानते हो ना वो लोग कितने बुरे हैं। अच्छा ठीक है, अब तुम घर जाओ, बहुत लेट हो गया। आगे से कुछ भी बताना हो तो मुझे फोन पे बताना, तो मैं तुम्हें बताऊंगी कि कहां मिलना है। ठीक है, चलो, टेक केयर। ओके बाय। थैंक्स विशाल, एक तुम ही तो हो जो अपनी सगी माँ के खिलाफ जाकर अपनी इस माँ की मदद कर सकते हो।
संतू को मोंगी की प्रेगनेंसी का पता चल गया है। इसका मतलब ये कि उस घर में माहौल गर्म है। ठीक है संतू, अब देखो मैं तुम्हें कैसे तोड़ती हूँ। तुम्हारी बर्बादी की तरफ मेरा दूसरा कदम। हेलो, मोस्ट वेलकम। क्यों बुलाया मुझे? पहले अंदर तो आओ। क्या लोगे सारंग? चाय, कॉफी और समथिंग टू ड्रिंक? काम की बात करें? आप फोन पे किसी राज की बात कर रही थी, क्या है वो राज? राज तो बहुत गहरा है। अगर मैंने तुम्हें वो राज बता दिया तो बदले में तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। एक बार मदद करके फंस चुका हूँ, मेरे सारे सपने टूट गए, यहाँ तक कि मुझे डिवोर्स पेपर भी साइन करने पड़े। अब मैं और मदद नहीं कर सकता और रिस्क नहीं ले सकता। सारंग, जिंदगी में कुछ पाने के लिए रिस्क तो लेना पड़ता है। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो बदले में तुम्हें भी बहुत कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा? अब तक तो सिर्फ खोया है मैंने। तुमसे ज्यादा मैंने खोया है। तुम अच्छे से जानते हो कि मैं डीएम से शादी करना चाहती थी, लेकिन संतू ने मेरा सपना तोड़ दिया। अब पानी सर के ऊपर चला गया है, तो क्यों ना सांसें उनकी भी थोड़ी सी डूब जाए। और अगर मैं खुश नहीं तो उन्हें खुश कैसे रहने दूं? हितेन, बिरवा, मोटी बहन, इन लोगों ने मुझे शादी के मंडप तक नहीं पहुंचने दिया, और वो मनीष सबरवाल, उसे मैं कैसे छोड़ दूं? उन सबको बर्बाद कर दूंगी जिनकी वजह से मैं जेल गई थी। अभी तो मैं जमानत पे बाहर हूं, लेकिन केस अभी भी चल रहा है। जब तक मैं बदला नहीं लेती, मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। बदला लेके आपके मन को तो शांति मिल जाएगी, मुझे क्या मिलेगा? तुम्हारा अधूरा सपना पूरा हो जाएगा। अभी अभी तुमने कहा था ना कि तुम्हारा सपना टूट गया, तो मैं तुम्हें एक ऐसा राज बताऊंगी उस घर का, जिसे हथियार बनाकर ना सिर्फ बिरवा पे बल्कि पूरे माहियावंशी परिवार पे तुम राज कर सकते हो। किस राज की बात कर रही हो आप?